अगर कोई आदमी एक बार जिंदगी में विधायक बन जाता है तो विधायक का पेंशन पाता है, दूसरी बार अगर वो सांसद बन जाता है तो सांसद का पेंशन पाता है, तीसरी बार अगर वो राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा का पेंशन पाता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को 2004 के सरकारी बाद के सरकारी कर्मचारियों को इस व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है और इसको लेकर एक आंदोलन लंबे समय तक चला है। कई संगठन इसके लिए लड़ते रहे और अब ऐसा लग रहा है कि ये मुकाम आ गया है। लेकिन हम लोग अपनी जवानी के जो खून पसीना होता है, वो समय होता है, वो विभाग को देते हैं, सरकार को देते हैं। उसके बाद यह स्थिति होती है कि लोगों को खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, खाने नहीं मिल पाता, ये स्थितियाँ हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और इस बार के चुनाव में पुरानी पेंशन को लेकर मामला पूरा करें और चार दौर के चुनाव के बाद, पांच दौर के चुनाव के बाद पुरानी पेंशन को गांव गांव तक पहुंचा दिया गया है, पुरानी पेंशन के नाम को। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो रिटायर्ड लोग हैं और रिटायर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, अमरनाथ यादव जी, मैं उनसे भी बात करूँगा और उनके तमाम साथी हैं उनके संगठन के, और अपनी अपनी हैसियत में सब लोग इस चुनाव के बारे में राय रखते हैं, पुरानी पेंशन को लेकर राय रखते हैं, नई पेंशन व्यवस्था है उसके बारे में राय रखते हैं। तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दा है, शायद कर्मचारियों का मुद्दा पहली बार इतना प्रमुखता से चुनाव में सामने, तो इस मुद्दे का असर जमीन पर क्या है और इनकी जिंदगी पर क्या है, समाज पर क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पुरानी पेंशन के बारे में माना यह जाता है ये एक सामाजिक सुरक्षा का ऐसा सवाल है, बुजुर्ग में जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं आपको जो पेंशन मिलती है उससे एक आपका आत्मविश्वास अपने आप रहता है और आपको अपने जो बच्चे हैं उन पर डिपेंड नहीं रहना होता है। तो ऐसे में ये पुरानी पेंशन की मांग एक तरह से सामाजिक रूप से भी बहुत ही, एक तरह कहा जाए तो बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। इसको ये कैसे देखते हैं हमारे जो साथ बैठे हुए हैं रिटायर्ड लोग, पेंशनर लोग, और इसको समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आप ही से बात करता हूँ, गिरीश चंद कहते हैं, और पुरानी पेंशन ना होने से अब जैसे ये भी झगड़ा छिड़ गया है, सारे शेयर डूब गए और ये शेयर में ही पैसा लगाते हैं एनपीएस का, तो वो पैसा भी हमारा डूब गया, वो ये देंगे कहाँ से हमको पैसा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पेंशन हमारी पुरानी ही अच्छी है और पुरानी पेंशन जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में भी लागू कर दिया, पेपर में आया था, और राजस्थान में भी लागू हो गई है, और मेरा ख्याल एमपी में भी वो कह रहे हैं है? अभी राजस्थान में लागू हुआ है, अभी अशोक गहलोत ने कहा है इसी महीने से, यानी मार्च महीने से वो लागू हो जाएगा। आप ये बताइए, आप पेंशनर हैं? मैं पेंशनर हूँ। अच्छा, पुरानी व्यवस्था, पुरानी पेंशन व्यवस्था से मैं पालन कर रहा हूँ जी। तो पुरानी पेंशन के तहत जो आपको मिलता है आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब आपके लिए जीवन है जब तक आप, जब तक जीवित है या नहीं भी रहेंगे तो हमारे जो आपकी जो वाइफ है, वाइफ है उनको मिलती रहेगी, जो भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी, तो कम से कम पूरा एडजस्टिंग जो है सही रहता है परिवार का। एक इसका जो मैंने चर्चा की थी, एक सामाजिक पहलू भी है। सामाजिक पहलू ये है कि जैसे जिनको पुरानी पेंशन मिलती है तो ठीक ठाक पेंशन मिलती है और उसकी वजह से उनके, मैंने जो कहा कि वो आत्मनिर्भर महसूस करते हैं, अपने बच्चों पर एक तरह से बोझ नहीं रहते हैं। और यह भी देखा गया है कि बच्चे जो जिन गार्जियन को पेंशन मिलता है उनका एक मान सम्मान परिवार में, समाज में सब होता है। उसको यादव जी आप कैसे देखते हैं, मैं आपसे समझता हूँ जी। देखिए, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पेंशन की व्यवस्था क्यों गई। तो अगर आप इसको देखेंगे तो राजा महाराजा के टाइम से ही पेंशन दिए जाने का प्रचलन था और 17 दिसंबर 1982 को फुल बेंच का वाई बी चंद्रचूड की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट फैसला है, उस फैसले में कहा गया है पेंशन कोई कृपा नहीं है, कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है, बल्कि लंबे समय तक की गई सेवाओं के प्रतिफल या लंबित वेतन उस समय का डिफर्ड पे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफर्ड पे कहा है। इस दृष्टि से इसको देखना पड़ेगा कि आप जो है जो, और इसीलिए पहले इधर तो प्राइवेट कंपनियों की सर्विसेज में भी अच्छे वेतन वगैरह मिलने लगे, पहले ही अच्छा मिलता था। सरकारी क्षेत्र में वेतन आयोग जब गठन होता था, जब अपनी रिपोर्ट देता था, थोड़ा सा लो रखता था वेतन, ये समझ करके कि इनको जो है बाद में उनको पेंशन भी देना रहेगा।
उसको आपने खत्म कर दिया। तो एक तो सबसे बड़ी फिनामना ये है कि पेंशन रहने से हम आज की तारीख में अगर लखनऊ में 75% लोग अगर यहाँ पर बैठे तो केवल पेंशन के नाते बैठे, और जो सामाजिक गिरावट है, समाज जिस तरह से गिर रहा है, एक मृतक आश्रित की नियुक्ति की व्यवस्था सरकार ने की है, हमने अपने सामने उदाहरण देखा है कि वो चाह रहा है कि बाप मर जाता तो हमारा देश को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिल जाती। हम इस बारे में कहना चाहते हैं, अब एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन स्कीम नहीं है बल्कि ये स्वनिवेशित धन वापसी योजना है। उन्होंने कहा 10% आप दीजिए, यानी इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मैं नई पेंशन 14% नई पेंशन पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन जरा मैं इनसे समझ लेता हूं कि ये जो पुरानी पेंशन आप किस तरह के पेंशन व्यवस्था में है। हम पुरानी पेंशन की व्यवस्था में है। अच्छा, और उससे हमको बहुत सहारा मिलता है, मतलब और समाज में भी और घर में भी बड़ी इज्जत मिलती है। अच्छा, आपका शुभ नाम? ब्रजेश कुमार। अच्छा, आप किस विभाग में थे? हम स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट राजनिवेशन संस्था योजना। तो ठीक है, आप ये बताइए नई पेंशन व्यवस्था जो है, जो आपको तो पुरानी पेंशन मिलती है, आप किस विभाग में थे? स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट में। स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप भी थे, आपको पुरानी पेंशन मिलती है, तो आप जो आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो नई पेंशन व्यवस्था के तहत पा रहा है, या आप उनको जानते समझते हैं, उनकी दिक्कत और आपकी दिक्कत में क्या है? हम आत्मनिर्भर हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि वो आत्मनिर्भर नहीं है? जो ये कह रहे हैं यादव जी कि वो उनका स्वतः का निवेश है और स्वतः का निवेश ही उनको बाद में मिलता है, तो वो नाकाफी है, वो उनकी जिंदगी को चलाने के लिए उसको नाकाफी माना जा रहा है। मैं और कुछ और लोगों से बात करता हूँ जो पुरानी पेंशन व्यवस्था के ही अधिकतर लोग हैं इसमें। मैं आपसे जरा समझना चाहता हूँ कि ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर अभी चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है, कर्मचारियों का मुद्दा पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का मुद्दा बड़ा क्रूशियल हो गया चुनाव में, इसको आप कैसे देखते हैं? पुरानी पेंशन अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये आग सुलग चुकी है और ये देना ही पड़ेगा। ये सरकारों की व्यवस्था है, ये हमारे सामाजिक सुरक्षा की बात है। हम सिक्योर, ये उम्र ऐसी होती है कि हमें इनसिक्योरिटी की भावना हो जाती है, एज हमारी हो गई, हमारे तमाम रोग हो गए, हमारी तमाम विसंगतियां हो गई। आज के सामाजिक परिवेश में बच्चों का वो रुख नहीं है जो होता था माता पिता की सेवा का, उससे हम वंचित हैं। तो पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है और सामाजिक दायित्व है सरकार का इसे दिया जाए, तो इसको मैं इस परिप्रेक्ष्य में लेता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और इसको काटना हमारे साथ एक तरह से हमारे हकूक को मारना है। बिल्कुल, मैं आपका शुभ नाम क्या है? रमेश चंद्र उपाध्याय। अच्छा, आप किस विभाग में थे? कारागार विभाग से, जेल विभाग। अच्छा, आप कब से रिटायर्ड हैं? मैं 12 मई जी। तो ये पुरानी पेंशन के जो लोग हैं वो बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन नई पेंशन व्यवस्था जो लाद दी गई है 2004 के बाद, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में सरकार थे, उनकी बहुत तारीफ होती है, क्योंकि वो एक ऐसे उदारवादी नेता के तौर पे हमारे सामने आए जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और इस देश में अगर देखा जाए तो सड़क निर्माण का काम उस वाजपेयी जी के टाइम में बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन पुरानी पेंशन जो उन्होंने खत्म की और नई पेंशन व्यवस्था जो लागू की उसको लेकर तभी से असंतोष चल रहा है और इसको लेकर देश भर में तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो इसके बारे में बताएंगे कि जो नई व्यवस्था लागू की गई है वो किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भरता से एक तरह से वंचित कर रही है, और पुरानी पेंशन के लोग एक तरह से आत्मनिर्भर महसूस करते हैं और समाज में एक कहते हैं कि जब बुजुर्ग आदमी 60 साल का हो जाता है और उसके बाद की उसकी ज़िंदगी होती है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि शरीर भी थक जाता है और सामाजिक रिश्ते उनको निभाना होता है। समाज में एक ये भी बात होती है, जब मुझे याद है कि VRS की बात हो रही थी और तब लोग कहते थे कि VRS अगर सरकार हमको दबाव बना के VRS दे देगी तो बेटे बेटियों की शादी होनी होगी, तब हमसे पूछा जाएगा कि भाई आप करते क्या हैं, तो पता चलता कि मैं रिटायर्ड हूँ। तो रिटायर्ड आदमी की एक सामाजिक महत्ता कम हो जाती है, लेकिन ऐसे में पुरानी पेंशन जब मिलती हो आपको तो आप आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से आप अपना मत बताइए, पहले अपना नाम बताइए। ओपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, इसको कैसे देखते हैं आप? जो मैंने कहा, हम तो पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी देखते हैं और इसको नरक में ढकेलने वाली पोजिशन समझते हैं,
जिस दिन से यह लागू हुआ उस दिन से हमारा संगठन इसका विरोध करता है। हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए, काफ़ी बात उठाई। आप किसी संगठन से भी जुड़े हैं? मैं पेंशनर संगठन से जुड़ा हूँ जी, और कालान पीछे भी संगठनों में रहा हूँ। जिस दिन से 2005 से लागू हुई उसी समय से हमारा संगठन इसका विरोध करता आया, और विरोध करने के साथ साथ हमने मुख्यमंत्री जी को, जो भी सरकार में नेता रहा उनको, और प्रधानमंत्री जी को दिल्ली जाके हम लोगों ने वहाँ पर रैली की, प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया, याचिका बनाई, उसका ज्ञापन दिया, और कभी भी नक्कार खाने में तूती की आवाज़ तरह उतारा, किसी ने कुछ बात नहीं सुनी और निरंतर संघर्ष करते रहे। रही बात सामाजिकता की, तो आज इस सिचुएशन यह है कि जब ये समाज में यह विस्थापित हो गया कि इनको पेंशन नहीं मिलनी है, रिटायर होने के बाद 1,000 रुपया 2,000 रुपया 1,500 रुपये लोगों को पेंशन मिल रही है, तो उनकी सामाजिक स्थिति नहीं, घर में वो रहने लायक नहीं रह गए हैं। तो ये तो लड़ाई ऐसी है, इसकी तो बहुत खतरनाक पोजिशन होने की स्थिति में आ गया है। अगर सरकार नहीं जानती है तो हम लोग लड़ाई तो जारी रखेंगे जी। ये लड़ाई जो है बहुत लंबी चली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई को किनारा मिल गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया है। इससे अधिकारियों, कर्मचारियों और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उसमें एक जोश है इसमें वोटिंग करने को लेकर, और माना ये जा रहा है कि ये बड़ा एक मतलब गेम चेंजर होगा। अब हम इनसे जानते हैं कि ये जो चुनावी मुद्दा बन गया है, तो ये मुद्दा कितना गंभीर होगा, क्या इससे पासा पलट सकता है राजनीतिक रूप से जी? आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। रविंद्र कुमार दीक्षित जी। मैं पासा पलटने की, ये देखिए, हर आदमी अपना अपना हित चाहता है जी, और हित होना भी चाहिए, ऐसा कोई स्पेशली तो है नहीं। ये तो पूछिए कर्मचारी जो नए 2004 हो रहे हैं, उनका न्याय पूरा और न्याय हो रहा है। क्या ये नेता लोग अपने ऊपर कभी अभी आजमा कर देख सकते हैं क्या, जो अपने एक दिन के या एक बार भी अनेक बार कई कई पेंशन ले रहे हैं, क्या अपने ऊपर ये आजमा सकते हैं कि हम पेंशन आगे ना लें? अगर ये लोग करते तो हम लोग त्याग करके अपनी भावना को दिखलाएं अगले, तो हम लोगों को तो हम लोग भी उसमें सोचे भाई, लेकिन हम लोग अपनी जवानी के जो खून पसीना होता है, वो सोर समय होता है, वो विभाग को देते हैं, सरकार को देते हैं, और उसके बाद क्या स्थिति होती है कि लोगों को खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, खाने के नहीं मिल पाता, ये स्थितियाँ हैं। और गेम चेंज की बात रही, अब तो ये तो कर्मचारी के अंदर भावना है, जिसको जहाँ हित लगेगा वो वहाँ जाएगा, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। ये चुनाव में ये भी एक मुद्दा है कि कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा सामने है, और इसकी वजह से कर्मचारियों में जोश है और वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने या जो भी सरकार बने, कम से कम उनकी इस पुरानी मांग को जरूर गौर करे। ये 16 साल से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि ये पुराना संघर्ष है, लेकिन इसको एक किनारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ये चुनावी मुद्दा बन गया, लेकिन दूसरे प्रदेशों में बीच में ही राजस्थान सरकार ने इसको अपने यहाँ लागू कर दिया, क्योंकि ये लगने लगा है कि ये घंटी बज गई है और ये मांग अब जो है पूरे देश के स्तर पर बहुत ही गंभीरता से उठाया जाएगा, उठेगा, तो इसको लेकर सरकारें चिंतित हैं, राजनीतिक दल चिंतित हैं। मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है, जब तक उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, अभी 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब ये मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि बिना इसकी मांग कोई भी जो नई सरकार आएगी उस पर भी ये दबाव रहेगा और ये मुद्दा मांगना ही पड़ेगा? आपका शुभ नाम क्या है? शिवनंदन वर्मा। अच्छा, आप किस विभाग में थे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जी। आप बताइए इसके बारे में जो मैंने पूछा। पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत ही गर्म हो चुका है, और अब ये जो भी सरकार आएगी उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी संगठन और इतना ज़्यादा मतलब पीड़ित हो चुके हैं कि नई पेंशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो स्वीकार करने योग्य है भी नहीं, उसका पैसा तो नामालूम कहाँ जाता है, और पुरानी पेंशन से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अगर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी भविष्य में नए कर्मचारियों को, बच्चों को, तो उनको सार्वजनिक जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा जी। ये सॉरी, तो ये जो मुद्दा है, ये सब लोग इसको, जो भी पेंशनर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी ये मिलना चाहिए, क्योंकि
ये इसका आनंद समझ रहे हैं कि कितनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ये महसूस करते हैं, कितना आत्मनिर्भर अपने आप को महसूस करते हैं, बच्चों पर निर्भर वो नहीं रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और उनके जाने के बाद उनकी धर्म पत्नी को भी ये मिलता है, या कोई अगर महिला पेंशनर है तो उसके पति को क्या मिलता है? क्या पति को भी मिलता है, उसकी विधवा पुत्री को भी मिलता है, और अगर बहु विधवा हो जाए तो बाद में बहू को भी मिलता है। ये पुरानी पेंशन है, इसलिए पुरानी पेंशन के मुकाबले नई पेंशन कहीं ठहरती नहीं है। और जो वित्तीय घोटाले हैं उसके चक्कर में तो बिल्कुल ही एनपीएस वाली बेकार है, क्योंकि इसमें तो सब सारा पैसा मार्केट में ही लगता है, और मार्केट का हाल बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। इसलिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प तो नई पेंशन है ही नहीं, 0% नहीं है कहीं। ये एक बड़ा अलग दुष्चक्र है कि ये जो कर्मचारियों के पेंशन, जो नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, उनके पैसे को शेयर बाजार में लगा दिया गया है। और शेयर बाजार आपको मालूम है कि वो सेंसेक्स है, वो इतना संवेदनशील है कि नहीं पता क्रीमिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से गिर जाए, या किसी और तरह के घटना अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो जाए उसकी वजह से वो चढ़ जाए गिर जाए, तो उसका कोई भविष्य नहीं है। और उसी तरह से नई पेंशन के जो कर्मचारी हैं वो, उनका भविष्य भी लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए पुरानी पेंशन की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। हमारे साथ जरा मैं आपसे बात करता हूँ, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और पुरानी पेंशन और नई पेंशन का जरा कंपेरिजन कीजिए। जय शंकर श्रीवास्तव जी, अर्थ विभाग शंकर जी, आप तो अर्थ विभाग से हैं, बताइए। जी देखिए, सरकार की सेवा में आने का जो है सबसे बड़ा लाभ यही है कि रिटायर होने के बाद हमारी लाइफ जो है सिक्योर्ड हो जाएगी, हम कम से कम किसी की आत्मनिर्भर हो जाए, दूसरे भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन ये पेंशन जो हम खत्म जो कर रहे हैं, इससे हम लोगों के अंदर जो है बड़ी हीन भावना आ रही है। सरकार की तरफ से लोग जो है रुझान हट रहा है। ये जो आरक्षण का मामला है, और इसके बाद आरक्षण भी इससे जुड़ा हुआ मामला है कि सरकारी अगर स्तर पर नौकरियां खत्म होगी, कम होंगी, तो हमारा समाज जो एक सुरक्षित समाज के तौर पे, आप देखिए कि सरकारी नौकरियों में जाना चाहता है, आज के नौजवान भी सरकारी नौकरियों के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, और कई बार बहुत सारे लोगों का जीवन की साध होती है कि किसी तरह से सरकारी नौकरी हासिल कर ली जाए। लेकिन सरकारी नौकरियों का आकर्षण अगर ये पुरानी पेंशन व्यवस्था लंबे समय तक खींच गया, तो निश्चित रूप से इसका एक, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बिना दांत की तरह हो जाएगा, कि बिना दांत का कोई, आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिससे आप 60 साल के बाद का जीवन को कैसे काटेंगे, इसके लिए आपके पास कोई ऐसा आर्थिक तंत्र नहीं है। तो ये आपको एक सबलता देता है, एक मजबूती देता है, और सरकारी नौकरी के प्रति एक आकर्षण भी बनाए रहता है। मुझे लगता है कुछ और लोग हैं हमारे साथ जिनसे मैं बात करूंगा और समझूंगा कि ये जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर जो बहस चल रही है इस वक्त, उसको ये कैसे देखते हैं। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रामस्वरूप कश्यप है, और मैं इस संगठन का जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और पुरानी पेंशन के बारे में आपने पूछा, पुरानी पेंशन पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोगों को मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन से आदमी जो रिटायर हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, वो आत्मनिर्भर होता है, और उसको बड़ा सम्मान मिलता है, घर में मिलता है, बाहर मिलता है, समाज में मिलता है, संगठन में मिलता है। पुरानी पेंशन हमारा हक है, अधिकार, इसको मिलना चाहिए। और ये अंग्रेजों के ज़माने से पुरानी पेंशन मिल रही है, और इस भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी स्टेट की सरकार को ये छीनने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। पेंशन हमारा हक है, हमको मिलनी चाहिए। और हमने 35-40 साल तक सेवा करी सरकार की, देश की सेवा करी, समाज की सेवा करी, इसलिए सरकार और अंग्रेज जो थे हमको पेंशन दे गए, वो पेंशन पुरानी मिलनी चाहिए। और नई पेंशन का मतलब कोई उपयोग नहीं, कहीं कुछ नहीं। और नई पेंशन स्कीम हम 2004 से 5 से कह रहे थे कि ये पेंशन लागू नहीं होनी चाहिए, और लेकिन सरकार ने लागू कर दिया। लेकिन आज लोगों को पछतावा हो रहा है, हम चिल्लाते रहे, अमरनाथ यादव चिल्लाते रहे, परिषद से हैं, महासंघ के लोग, सारे लोग चिल्लाते रहे कि ये नई पेंशन स्कीम जो है बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और आज पेंशनर होकर के भी हम लोग ये पुरानी पेंशन को मांग रहे हैं, नई पेंशन का विरोध कर रहे हैं, और नई पेंशन को बिल्कुल हम नहीं चाहते, पुरानी पेंशन चाहते, पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। एक और विरोधाभास है कि नेता लोग अपने लिए पेंशन व्यवस्था रखे हुए हैं, और अगर कोई आदमी एक बार जिंदगी में विधायक बन जाता है तो विधायक का पेंशन पाता है, दूसरी बार अगर वो सांसद बन जाता है तो सांसद का पेंशन पाता है, तीसरी बार अगर वो राज्यसभा में चला जाता है तो राज्यसभा का पेंशन पाता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को 2004 के सरकारी बाद के सरकारी कर्मचारियों को इस व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है,
और इसको लेकर एक आंदोलन लंबे समय तक चला है। कई संगठन इसके लिए लड़ते रहे और अब ऐसा लग रहा है कि ये मुकाम आ गया है। मैं जरा जानना चाहूंगा कि ये जो विरोधाभास है, जो किसी व्यक्ति किस वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है और किसी वर्ग को इससे वंचित किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए पहले। हम देवी चंद श्रीवास्तव जी, राजनीति संस्थान मानवाधिकार, और ये जो राय वास्तव जैसे विधायक और उनको से उनको एक एक नहीं चार चार पेंशन मिलती हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। राज्य कर्मचारी जो इतने दिन सेवा करता है और उसको पेंशन बंद की जा रही, पुरानी पेंशन बंद की नहीं दी जा रही, और जो विधायक है वह एक दिन भी हो जाता है तो उसे पेंशन मिलती है, तो बहुत गलत है। बिल्कुल, तो ये जो है डिमांड चलती आ रही है और मुझे लगता है इस बार के चुनाव में, अभी आने वाले जो दो चरण के चुनाव बचे हैं, उन दो चरणों के चुनाव में भी ये मुद्दा गर्म रहेगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए संगठन अभी तक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अपनी अभी इस चुनाव में कर्मचारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस एक ऐसी सरकार लाएं जो पुरानी पेंशन का समर्थक हो, इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ जो हमने राय ली है, इससे पब्लिक में भी एक राय बन रही है कि ये व्यवस्था कितनी ज़रूरी है, क्योंकि एक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। भारत में सामाजिक सुरक्षा को अगर हम हाशिए पर रख देते हैं, जिंदगी जो 60 साल के बाद की ज़िंदगी है, अब चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हो गई हैं, लोग 80-90 साल तक जीवित रह रहे हैं, उनके ऊपर मेडिकल का एक्सपेंस होता है, तो इससे भी एक जो बच्चों के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर पेंशनर है उसको पेंशन मिलता है और पुरानी व्यवस्था के तहत उसको पेंशन मिलता है, तो निश्चित रूप से उसके बच्चे को एक ताकत रहती है कि मेरे पापा के पास पैसे हैं, मैं उसी से अगर उनका इलाज करवा दूंगा तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये भी एक पहलू है, मैं इस पहलू से चाहूंगा कि एक व्यक्ति का मैं और प्रतिक्रिया लूं। जी जी, बीएल कुशवाहा जी, मैंने जो कहा कि ये देखिए पुरानी पेंशन की वजह से, जो आप नीचे रखे रहो, पुरानी पेंशन की वजह से जो बच्चों में एक रहता है कि भाई पापा के पास पैसे आते हैं, हमें सिर्फ मैनेज करना है, हमें उनको हेल्प करनी है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो हम उनको हेल्प कर देंगे, उस लिहाज से आप बताइए कितना ज़रूरी है। जी, ये समाज में आप देख रहे होंगे कि स्वार्थ की भावना, चाहे घर हो, परिवार हो या बाहर हो, ये होती है। अगर सरकारी सेवा से रिटायर आदमी को पेंशन मिलती रहती है, आजकल बच्चे भी पढ़ाई लिखाई और सर्विस के लिए प्राइवेट सेक्टर में बाहर चले जाते हैं, तो अगर बच्चा पास में है तो भी, और नहीं है तो भी, अगर सेवानिवृत्त कर्मी उसको अपनी पेंशन मिल रही है तो उससे जुड़ाव परिवार के लोगों को, सदस्यों को ज़्यादा बना है, और वो उसके ऊपर बोझ नहीं महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर ही हमारे नहीं करते। अगर पेंशन ना हो और बच्चे पास में हो चाहे बाहर हो, तो वो उतना शेयर भी नहीं करेंगे, ना तो परिवार में उसकी ज़्यादा अहमियत रहेगी, ना समाज में। तो ये जो मुद्दा है, निश्चित रूप से अगर आप किसी से भी बात करेंगे, पुराने लोगों से बात करेंगे जो रिटायर्ड आदमी हैं या जो सरकारी नौकरी में नहीं भी रहे हैं, तो ये मानेंगे कि एक उम्र के बाद आपकी निर्भरता बच्चों पे होती है, लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से सबल हों तो ये आपकी बड़ी ताकत होती है। और शायद इस पहलू को भी सरकार समझ रही है, लेकिन सरकार पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे पॉपुलर एजेंडा पे काम कर रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसको वोट का फ़ायदा हो, और इसीलिए शायद राशन फ्री देना या तरह तरह के उपहार देना, स्कूटी देना और तरह तरह की योजनाएं, आपने देखा होगा इस चुनाव में न जाने क्या क्या फ्री में मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, लेकिन एक जरूरी मांग जो है, एक जो कर्मचारी जो 60 साल तक सरकार की सेवा में रहता है, किसी भी विभाग की सेवा में रहता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ये व्यवस्था जो है आगे तक कितना आत्मनिर्भरता देता है और उसके बच्चों तक में एक आत्मविश्वास जगाता है, तो निश्चित रूप से एक बेहतर व्यवस्था बनी हुई थी और उस व्यवस्था को शायद फिर से बहाल करने के लिए एक बड़ी जोरदार मांग उठी है। और 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में कम से कम ये बहुत ही अहम हो गया है, और इस नाते मैंने अभी तमाम लोगों से बात की और ये जानकारी आप तक पहुँचाई। अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए, और इन बुज़ुर्गों का, इन रिटायर्ड लोगों का सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, और मुझे लगता है ये भारत के सामाजिक सुरक्षा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, और शायद ये चुनाव, मैं मानता हूँ कि ये चुनाव ये एक ट्रेंड सेटर हो सकता है, ऐसे आम मुद्दे, ऐसे गंभीर मुद्दे लोगों की नज़र में हों तो इससे सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। कैमरामैन
अनुपम सिंह के साथ मैं कुमार भवेश चंद्र।